ना अंग्रेजी गिट पिट से ना चाइना के मोबाइल से अरे हम तो लव करते हैं बबुआ बिहारी स्टाइल से अरे खट्टा मीठा मजेदार लव इन गुलशन ए बिहार अरे खट्टा मीठा मजेदार लव इन गुलशन ए बिहार अरे इतना बड़ा दिल कर लिया है समीम अख्तर तुमने कि अपने सौकन को ले आओगे घर में सौकन काहे लाएंगे इको बहू बना के इस घर में लाएंगे बिल्ली को ख्वाब में छिछड़े नजर आते हैं शर्म नहीं आती बुन्नी के लिए कोई रिश्ता ढूंढूं उम्र ढल गई ना तो अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा हाँ हाँ जरूर ढूंढे लेकिन खानदान थोड़ा अच्छा और शरीफ हो अरे सम्मो अपने आप को बीमार समझोगी ना तो और बीमार हो जाओगी उठने की कोशिश करो हम जैक लगा देते हैं हम अपने आप को बीमार समझ नहीं रहे हम बीमार हैं आपका समझते हम ड्रामा कर रहे हैं बिल्कुल हम यही समझ रहे हैं आपसे यही उम्मीद थी हमको का हो गया काहे भड़क रही हैं बाबे अरे यूजुअल हम इनको समझा रहे कि छोटा मोटा बीमारी है उठ जाओ वरना और बीमार हो जाओगी अरे आप फिक्र नहीं कीजिए अब्बा अम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी देखिए का लेके आए हम आपके लिए फ्रूट इका रोज खाएंगी ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी बीमारी भाग जाएगा बिल्कुल बाबू हमारा इलाज इन चीजों में नहीं है तो फिर कहाँ से होगा बताइए हम वो लेके आ जाते हैं बाबू वो खाने की चीजें नहीं है बस तुम शादी कर लो तुम्हारा दुल्हन को देख के हम ठीक हो जाएंगे अरे तो क्या इसका दुल्हन का डॉक्टर नहीं होगा का अगर ये डॉक्टर ने से भी शादी करना चाहेंगे ना तो हम करा देंगे शादी 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 काहे हर वक्त शादी शादी का रट लगाए बैठी हैं हम आपको बोल दिए हम शादी नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे काहे जोर लगा रही हैं आप भाई अरे अम्मा अरे उसका एक शर्त है वो कह रहे हैं कि पहले अब्बा करे उसके बाद हम करेंगे अरे अब्बा चुप कीजिए ना का हो गया अब आप संभालिए खुद को का कर रही हैं अरे रोने से का शादी हो जाएगा हमरा छोटा सा ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकता अपनी अरे जब वक्त आएगा तो शादी भी कर लेंगे ना अभी नहीं करना हमको समझती काहे नहीं बात पता नहीं किस किस को उठा के ले आती हैं आप घर में हमरे ही घर में हमका जलील करके चली गई हूँ अरे नहीं मुनी जलील नहीं किए पुराने लोगों का सोच ऐसा ही होता है होता होगा मगर ऊ को ई हक कौन दिए कि वो हम पे कीचड़ उछाल के चली जाए अरे मुन्नी गुस्सा काहे को कर रही है वो सची तो बोले तुम्हारा शादी का उम्र निकल रहा है और कोई रिश्ता भी नहीं आ रहा तो जहर दे के मार दीजिए हमका ताकि ये किस्सा ही खत्म हो जाए अरे फालतू बात मत कीजिए अम्मा वो मुन्नी बिल्कुल ठीक कह रही है पता नहीं वो औरत कौन थी आप तो पता नहीं कौन कौन को घर में घुसा लेती है अम्मा अरे वो कोई रास्ते का औरत नहीं है हम जानते हैं वो बंगला बाजार है ना उसमें उसके मियाँ का बहुत बड़ा कपड़े का दुकान है आज बाजार में ही मिल गई थी कहने लगी हम अपना बेटा के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं कोई अच्छा लड़की हो तो हमको बताओ तो हम सोचे कि घर ले जाते हैं शायद मुन्नी को वो पसंद कर ले अब आप रास्ते से औरतें पकड़ पकड़ के लाएंगी और उनका कहेंगी कि हमरा बेटी से शादी कर लो इससे बेहतर है हमरा गला घोट के मार दीजिए हमका अरे मुन्नी सनो जाके समझाओ उसको हम जो भी करते हैं उनका भलाई के लिए ही करते हैं आइए माँ आराम आराम से चलिए जल्दी का कोई जरूरत नहीं है एक मिनट हम आपके लिए तकिया ठीक कर दीजिए यहाँ बैठिए बैठिए टांगों को भी ऊपर कर लीजिए अल्लाह अल्लाह रे अभी तबीयत कुछ बेहतर लग रहा है कि नहीं एक तो खुदा का वास्ते अपने दिमाग में से ही बात निकाल दीजिए टेंशन नहीं लीजिए डॉक्टर बोल रहे थे कि ब्लड प्रेशर का हाई होना अच्छा नहीं होता है हम जानबूझ के थोड़ी ना करते हैं बाबू हमको तुम्हारा और बेबी का बहुत फिक्र है किसी दिन दिमाग का रख फट गया इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे ये हसरत लेके फिर वही बातें शुरू कर दी ना आपने है मकसद और कोई काम नहीं करें शादी कर लें शादी के अलावा जिंदगी में और कोई काम नहीं है का हर माँ बाप का ख्वाहिश होता है बाबू अपने बच्चा लोगों के सर पे सेहरा देखने का ऐसा बातें करते रहते भैया डॉक्टर क्या बोली है कुछ नहीं डॉक्टर कह रहे थे कि उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई है किसी बात का टेंशन ले रही हैं अब किस बात का टेंशन ले रही हैं तुम अच्छे तरीके से जानती हो ना बेबी
और बाबू का शादी हो जाए बस। तो कर लीजिए ना बाबू शादी, शादी काहे नहीं करते, हमको बता दीजिए ना, ये बम फोड़ दीजिए हम पर। अरे बस कीजिए, आराम कीजिए, अभी ऐसे बातें नहीं कीजिए। एक काम कीजिए बेबी, अम्मा को आप खाना खिलाइए, अब्बा गए हैं दवाई लेने के लिए, बाद में अब्बा आ जाए तो दवाई भी खिलाना, हम जा रहे हैं कमरे। हम खाना लाते हैं, जल्दी जाइए और रख दीजिए। ग्रामर तो हमारा पूरे का पूरा कामयाब हो गया और अल्लाह के फजल से बीपी खुद ब खुद हाई हो गया, मगर ये बाबू तो अभी तक नहीं मान रहा, हम क्या करें? कहाँ नहीं थी? बता के तो गई थी कि अनीला के घर जा रही हूँ। तुमने मुझे कहा था दोपहर तक आ जाओगी। हाँ तो मैंने मैसेज तो किया था ना कि आपको देर हो जाएगी। रात के 8 बज रहे हैं, तुम शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक गई थी, वो भी अकेली। तो क्या हो गया भाई, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ। यहाँ के आने जाने के रास्ते तुम्हें मालूम नहीं है? शहर से यहाँ तक आने में गाड़ी बहुत मुश्किल से मिलती है, लेकिन तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। इसीलिए मैं चाहता था कि हम खानदान वालों के साथ रहे, कम से कम हाजरा बाई को ही साथ ले लेते तो ये परेशानी ना देखनी पड़ती। क्या हो गया भाई आपको, मैं हाजरा बाई के साथ जाऊंगी? वो बुढ़िया जिससे दो कदम तो चला नहीं जाता। हर वक्त अपनी मनमानी, किसी और की मानती कहाँ हो तुम? शहर के हालात देखे तुम कितने ज्यादा खराब हो रहे, फिक्रमंद रहता हूँ तुम्हारे लिए मैं। अच्छा आप फिक्र नहीं करे ना, देखिए मैं कितनी अच्छी शॉपिंग करके आई हूँ। पता आपको, अनीला को नई जॉब मिल गई है और मैं ना सोच रही थी कि मैं भी जॉब कर लूँ। इधर उधर फिरने से तो बेहतर है ना। ये देखिए मैं क्या क्या लाई हूँ, देखिए अच्छे ना, और भी लाई हूँ, ये भी है। अच्छा है, देखिए ना। गुस्सा थोक दे रहे, अब हम क्या करें बेटिया? तुम लोगों का फिकर हमरा जान खाए जा रहा है। हमरा फिकर करने का कोनो जरूरत नहीं है, जाइए सन्नो का फिकर कीजिए। आप ही बोली है हमका वो नौकरी देंगी हमको, बस अब हम नौकरी करेंगे और आपका सहारा बनेंगे। देखेंगे हमका सन्नों का इतना फिक्र नहीं है, वो शादीशुदा है, उसका सौहर है, आज नहीं तो कल उसका सौहर उसकी जिम्मेदारी उठा ही लेगा। तुम अकेली हो, हमारे मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा? कैसी फालतू बातें कर रही हैं अम्मा, हम कह रहे हैं ना हम नौकरी करेंगे। मुन्नी तुम नौकरी करो कि ना करो, अम्मा को तुम्हारी शादी तो करनी है ने, और फिर इकला लड़की को कब तक वो घर में रखेंगी? लो जी, जब कोई रिश्ता ही नहीं है तो शादी कहाँ से होगी, यूं ही सड़क से उठा उठा के लाती रहेंगी अम्मा। अरे काहे रास्ते से पकड़ेंगे, हमका यकीन है तुम्हारा शादी बड़ा अच्छा जगह पे होगा, सहजादे जैसा होगा तुम्हारा दूल्हा। देखा अम्मा, वैसे तो ये शादी से मना करती है पर अब शादी का सुन के कैसा लड्डू फूट रहा है दिल में। अरे हमको तो बता दो भाई, कोई लड़की लड़की का चक्कर तो ना है का? अरे हम कह जो रहे हैं ऐसा कोई बात नहीं है, अगर हम कुछ कहेंगे तो अम्मा क्यामत ढा देंगे। अब मतलब समझ गया हम, उसका नाम है मुन्नी, काहे सन्नाटा छा गया भाई। अरे लव इन गुलशन है बिहार।
बिहार। इरफान हम बहुत परेशान हैं। वो हमारी अम्मा बीमार हो गई हैं और डॉक्टर बोल के गए हैं उनको कोई टेंशन है। ओ शब्बो तुम क्यों परेशान होती हो, वो ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। और जो डॉक्टर एहसान है ना वो बहुत अच्छा डॉक्टर है, उनके इलाज से ना बहुत फायदा होगा। उन्हें ब्लड प्रेशर है ना, और ब्लड प्रेशर के मरीज बात बात पे टेंशन लेते हैं। इरफान कहीं अम्मा हमारी वजह से टेंशन में तो नहीं है? वो रोज हमको देख लिए थे ना आपके साथ। ओ नहीं शब्बो, वो हम एक मोहल्ले में रहते हैं, वो क्या हो गया, हम एक साथ खड़े थे और बातें कर रहे थे। वो ये कोई मायूब बात नहीं है, और ना आंटी खुद भी समझती होंगी उसे। हाँ मगर हमारे खानदान में ये सब नहीं होता है ना, कोने कुंवारी लड़की लड़के के साथ खड़े होके बात करे ना बहुत बुरा समझा जाता है। वो किस जमाने की बात कर रही हो, वो आजकल के तो लड़के और लड़कियाँ एक साथ पढ़ते हैं, काम करते हैं। मगर हमारे यहाँ ये सब नहीं होता है ना। अम्मा सोची होंगी कहीं हमारी बदनामी ना हो जाए, वरना सारे बिरादरी वाले अम्मा पर लान तान करेंगे ना। तो फिर आओ शादी कर लेते हैं, और फिर तो किसी को एतराज नहीं होगा ना। दैट किसे फालतू बात करते हो तुम। अब्बा हम सुने हैं आजकल प्रॉपर्टी का रेट काफी बढ़ गया है, आप अपना रेट काहे नहीं बढ़ा रहे हैं? अरे का हो गया तुमको? अरे हमको पता है मार्केट में काम करने वाले बहुत हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसलिए हमने अपना रेट जो है ना बड़ा मुनासिब रखा हुआ, तभी तो आ रहे ना लोग हमारे पास। हाँ अब्बा ये बात तो आप ठीक बोले हैं, आजकल कंपटीशन बहुत ही बढ़ गया और काम करने वाले लोगों का दिमाग ही आसमान पे चढ़ा हुआ है। तुम्हारा अम्मा सो गए का? हाँ बड़ा मुश्किल से सोई है, वही रट लगा के बैठी थी शादी शादी शादी, हमारे शादी के पीछे पड़ी। अरे भाई तुम मान क्यों नहीं जाते? अरे भाई एक ना एक दिन तो शादी करना है ना तुमको। अरे हमको ना ही करना है शादी। हमको तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, जरूर ऐसा कोई बात है जो तुम हमसे छुपा रहे हो। अरे हमको तो बता दो भाई, कोई लड़की लड़की का चक्कर तो ना है का? अरे ऐसा कोई बात नहीं है बाप, हम बाप के साथ तुम्हारे दोस्त भी तो है ना भाई। अरे हम कह जो रहे हैं ऐसा कोई बात नहीं है, अगर हम कुछ कहेंगे तो अम्मा क्यामत ढा देंगे। अब मतलब समझ गया हम, उसका नाम है मुन्नी। काहे सन्नाटा छा गया भाई? कुछ नहीं, आपको इस बारे में कैसे पता चला भाई? अरे ये बाल हमने धूप में सफेद ना किए हैं समझे, हमको तो बहुत पहले ही पता था, तुम्हारा रंग ढंग सब देख लिए थे हम। अब वो मुन्नी जो है ना वो बहुत अच्छी है, घर में आ जाएगी तो सब कुछ संभाल लेगी, मगर अम्मा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तुम्हारा अम्मा का आंख में दौलत का पट्टी तो बंद गया है, यूं नहीं जानती है कि दौलतमंद लड़की आके उसका खिदमत ना करेगी, वो अपना खिदमत करवाएगी उससे। अब आप क्या होगा, कैसे मनाएंगे अम्मा को? काम तो मुश्किल है, पर हम तुमसे वादा किए ना तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा बेटा। अब्बा ऐसे ही काम जो है ना बस आप ही कर सकते हैं। हाँ हाँ बेटा, तुमको सबसे ज्यादा पतला गर्दन हमरा ही नजर आ रहा है ना। अब अब्बा आपके सिवा हम और किसी से कुछ कह सकते हैं क्या? आपके अलावा हमरा मदद और कौन करेगा? अरे हम जानते हैं मुन्नी बहुत अच्छा लड़की है, हम उसको पसंद भी करते हैं, हम तो खुद चाहते हैं कि उसको अपनी बहू बना के घर ले आए, इसके लिए हमको पहाड़ से टकराना पड़ेगा, लेकिन फिक्र ना करो हम तुम्हारे खातिर पहाड़ से भी टक्कर ले लेंगे, लेकिन इस वक्त उसको कुछ बोलना मुनासिब ना है, उसका तबीयत ठीक ना है ना। चलो हमको तपाओ ना, थोड़ा तपाओ ना, तपाओ तपाओ, धुआं बहुत आ रहा है। अरे आने दो भाई, ठंड भी तो बहुत लग रहा है। वाह 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 भाई, क्या मजेदार फिश बनाई थी आंटी ने, बहुत ही बदजौक किस्म की औरत हो भाई तुम। मैं बदजौक ही अच्छी। शाजिया यकीन करो एक बार मेरे कहने पे खा के देखो, फिर रोजाना मुझे कहोगी कि भाई मछली खानी है, भाई मछली खानी है। वो दिन कभी नहीं आएगा जब मैं मछली खाऊं, पता नहीं लोग कैसे खा लेते हैं, इतनी गंदी स्मेल आती है उसमें से। एक दिन पछताओगी बहुत, जब बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे ना, सफेद हो जाएंगे, स्किन खराब होना शुरू हो जाएगी, झुर्रियां पड़ जाएंगी। तौबा भाई आप कितना डराते हैं, जैसे सारी दुनिया मछली ही खाती हो। भाई ना समझो, मेरा काम था समझाना। वक्त ही बर्बाद किया आपने।
अच्छा छोड़िए फजूल बातें, मैंने ना आपसे एक जरूरी बात कहनी है। मैंने कुछ दिनों पहले एक जॉब के लिए अप्लाई किया था, उसके इंटरव्यू की कॉल आ गई है। अच्छा, कंपनी कौन सी है, ऑफिस कहाँ है? वो अनिला के ऑफिस के साथ ही है। वो तो बहुत दूर है। मगर पिक एंड ड्रॉप दे रहे हैं ना, और पैकेज भी अच्छा है, तो सोचा ट्राई कर लूं। ठीक है, कर लो ट्राई। एक बात बताइए, पहले तो आप एक ही मिस कॉल पर जवाब दे दिया करती थी, अब आपको कॉल करते रहे हैं, करते रहे, करते रहे, कोई जवाब ही नहीं आता है। हमको तो लगता है अब आपको हमसे बात करना पसंद ही नहीं है। हाँ। आप कैसा बात कर रहे हैं बाबू? और नहीं तो क्या, पहले तुम्हारे पास फोन नहीं था तो मैसेज करते रहती थी, अब तो अपना फोन है, अब तो टाइम ही नहीं मिल रहा बात करने का। है ऐसा बात नहीं है बाबू, असल में वो मुस्टंडा नुसदवा जो है ना, हर वक्त घर में गुस्सा रहता है, रात को भी आ जाता है और इसी चारपाई पे सो जाता है। हम क्या करें बाबू, हमका कोई जगह ही नहीं मिलता है जहाँ बैठ के हम आपसे बात करें। बहुत जरूरी बात करना था तुमसे, तभी मिस कॉल मारे जा रहे थे हम। अभी वो मुफ्त खोरा आया नहीं है, इसलिए हम बाहर आके बैठ गए हैं आपसे बात करने के लिए, वरना आज भी बात नहीं होती। हम खुद भी आपको कॉल करना चाह रहे थे बाबू। ओ अम्मा, आज फिर हमारा एक रिश्ता लेके आ गई थी। अरे तो इसमें घबराने वाला कौन सा बात है, जहाँ बेरी होगा वहाँ पत्थर तो आएगा ही ना। फालतू बात नहीं कीजिए हमारे साथ, हमका नहीं चाहिए कोई रिश्ता विस्ता। सोच लो चाहिए कि ना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी एक रिश्ता आने वाला है। एक और रिश्ता, किसका? शमशाद सिद्दीकी उर्फ बाबू का। क्या बोले आप? हाँ सच बोल रहे हैं, हम अब्बा को सब बता दिए हैं, वो कह रहे हैं मम्मा को मना लेंगे। हाय अल्लाह, क्या सोचती होंगी खाला हमरे बारे में? यही कि हमरी बहू बहुत खूबसूरत है। क्या सोच रहे हैं हम? हमको लगता है हमने आपको बहुत बड़ा परेशानी में डाल दिया है। अरे ना भाई, परेशानी में तो तुम्हारे अम्मा डालेगा हमको। का मतलब आप हमें छोड़ रहे हैं ना? अरे नहीं बाबू, बिल्कुल नहीं। असल में तुम अपनी अम्मा की फितरत को जानते हो ना, बहुत ही सख्ती मिजाज हो। हम सोच रहे थे कि किस तरह अपने आप को बचा के उससे बात करें। अरे कहीं छूटते ही रोशन पे नजर ना गिरा दे, वैसे उसको हमरा मिलना जुलना पसंद ना है। ये बात तो आप ठीक किए हैं, अम्मा कुछ भी सोच सकती हैं, कहीं ऐसा ना हो हमरे और मुन्नी के बारे में सोचने के बजाय अम्मा आपके और रोशन खाला के बारे में सोचना शुरू कर दे। हाँ यही बात तो हम सोच रहे हैं किस तरह बच बचा के बात करें। देखिए अब जो कुछ सोचना है जल्दी सोच लीजिए, क्योंकि मुन्नी की अम्मा जो रोशन खाला है ना, वो मुन्नी का रिश्ता तय करने के चक्कर में लगी हुई है, रिश्ता देखती फिर रही है वो। हाँ हाँ बेटा, हम सोच रहे हैं, लगता कोई बहुत ही लंबा ड्रामा करना पड़ेगा। जरा आवाज के साथ सोचिए, और को बहुत जल्दी है। हाँ हम सुनना चाहते हैं, आवाज के साथ सोचिए। अगर सोच रहे हैं तो कम से कम कुछ ना कुछ तो आ ही रहा होगा ना, बोलिए अभी तो। और कंफ्यूज कर रहा है तुम हमको यार। कौन है बाहर? ओ अब क्या झाड़ू से इस्तकबाल करोगी? आप यहाँ क्यों आए हैं? बेबे सारे मोहल्ले का झाड़ू आज दे देंगे। तुम्हारी अम्मा ने ये भी तो बोला होगा, लोगन की जवान लड़कियों को देखने का भी है ना। मगर आप मकान मुझे जरूर दिखाएंगे? हाँ जरूर दिखा देंगे, लेकिन वो कहे ना कि जब मकान देखने आएंगे ना तो खाला अम्मा को मत बताइएगा ना कि मकान बेच रहे। ना अंग्रेजी गिट पिट से, ना चाइना के मोबाइल से, अरे हम तो लव करते हैं बबुआ बिहारी स्टाइल से, अरे खट्टा मीठा मजेदार, लव इन गुलशन ए बिहार, अरे खट्टा मीठा मजेदार, love in full